हे पीपल, व्हाट इज अप, माय नेम इज अरुण, यू आर वाचिंग द अदिक किड। सो आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज देखो मैं रेडी पहले हो चुका हूँ बिकॉज सावन का महीना चल रहा है, मंदिर मंदिर जाना पड़ता है, तो हम सुबह जाके आ गए। अभी मैं नाश्ता करूँगा एंड जिस जगह पे आज हम जा रहे हैं उसका थोड़ा सस्पेंस बनाते हैं एंड मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो भाई आज बन रहे हैं मस्त आलू के परांठे, मस्त खा के हम जाएंगे एंड फिर आपको बताता हूँ हम कहाँ जा रहे हैं और क्या चीज़ और क्या सस्पेंस है। तो हाँ, हम जा रहे हैं एक लोकेशन पे, एक मंदिर की लोकेशन पे, जहाँ मुझे बताया गया कि बहुत अच्छी लोकेशन, अच्छी से वीडियो आएगी। लास्ट वीडियो जैसे वो महादेव वाली थी तो उससे बहुत अच्छा रिस्पांस आया था, तो मुझे लगा उस पर बनानी चाहिए। तो देखो सस्पेंस मेरे लिए भी, आपके लिए भी, बिकॉज मैं भी नहीं गया एंड अभी हम दोनों साथ में देखेंगे तो रिएक्शन वही आएगा जो मैं देखूँगा। तो अभी चलते हैं एंड पर इस दोस्त को पिक करना है, वहाँ से फिर चलते हैं। लेट्स गो। बट ही स्टिल गेटिंग रेडी, टाइम लगेगा, वी आर वेटिंग, कोई चक्कर नहीं। Much 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 later. Such long, he's here and स्कूटी चलाने का जिम्मा मैंने दोस्त को दे दिया है ताकि मैं पीछे से शॉट ले पाऊँ अच्छे से। चलते हैं। ग्रेट हो गया, बारिश लगी है, हम एक जगह इधर रुके हैं पेड़ के नीचे ताकि हम बारिश से बच जाएं। कर दो स्कूटी बंद, जाते हैं अभी, देखते हैं फिलहाल इधर रुके हुए हैं कब तक रुकती है। लेट्स वेट। कैमरा में हो गया, पैसे ले लेना 500। हमने अभी डिसाइड किया वहाँ नीचे कहीं बैठते हैं जहाँ पे अच्छे से हो, क्योंकि शेल्टर की बारिश कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। मंजिल नहीं मिल रही, ढूंढ रहे हैं, बारिश हो रही है। लेट्स गो, मोड़ो यार, चलो। Much, much, much later. ओ भाई भाई, रोड तो गजब ही है यहाँ पे। क्वैं। इतनी होता है, इतनी होता है यार से। मेरे जूते गए। इधर पे वेल है, पता नहीं क्या है, डर लग रहा है। सो यहाँ पे मंदिर है, दो पहाड़ों के बीच में, एकदम कैमरे पानी आ गया थोड़ा। और यहाँ पे है शायद मंदिर अंदर की साइड को, देखे आते हैं। अभी शूज उतार लेते हैं पहले,
लेट्स गो। अंधेरा ही बड़ा है बारिश की वजह से। पानी पुनार था, पहाड़ों के बीच में मंदिर है, लोगों की एक्चुअली यहाँ पे बहुत मान्यता है। अभी हम उनसे पंडित से स्टोरी पूछेंगे, वो बता देंगे पूरी कि यहाँ की क्या स्टोरी है। और ये बता रहे थे यहाँ इसलिए आते हैं कुछ, क्योंकि कईयों को कुछ वो होता है, उसको बीमारियाँ बीमारियाँ होती हैं जिसको वो कुछ दिक्कतें होती हैं, वो यहाँ आके दूर हो जाती है। लेकिन लोगों की बहुत मान्यता है, बहुत पुरानी मंदिर है ये, इसलिए छोटा सा और पुराना है इतना। और अभी उनसे चलते हैं, स्टोरी पूछते हैं कि यहाँ की क्या स्टोरी है। गाथा अनुसार माँ आकाशिया देवी गासिया की तपस्थली इन प्रांत के कांगड़ा क्षेत्र में कुनाटी का बाल के अंचल में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि धर्मस्थली माँ आकाशिया देवी स्थान पर शिव भगवान के आकाशलोक भ्रमण दौरान जटाओं से स्वच्छ उद्धृत गंगा जल धारा के अंश गिरने से इस स्थान को गुफा आकाशिया देवी के नाम से जाना जाने लगा, जो आगे चलकर अषाढ़ मास के प्रथम मंगलवार को मेले के रूप में रोग के निवारण हेतु व्याख्यात हुआ होती है। हाँ जी, जी जदरी वगैरह होगी। हाँ जी, तो यहाँ पे माता गासिया के जो भी सरसों वगैरह लगाई जाती है उसको यहाँ से, जैसे माता के साथ किसी को रोग रोग हो तो वो भी हट जाते हैं। तो ये काफी पुरानी मंदिर है, काफी पुरानी और काफी पहले से इसको माना जाता है। लास्ट टाइम यहाँ का ओवरव्यू ले लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक्चुअली बहुत पुरानी है, यहाँ पे गुफा सी बनी हुई है, पहाड़ यहाँ से कुछ किया हुआ है एंड मंदिर बहुत पुराना है। यहाँ रोग रोग के लिए लोग आते हैं बहुत दूर से, काफ़ी मान्यता है। एक और लास्ट बारे कुछ शॉर्ट्स दिखाता हूँ यहाँ से, फिर यहाँ से चलते हैं। ओके, लेट मी शो यू। देख तो लिया, सारा एक्सप्लोर कर लिया, हम सोच रहे हैं घर चलते हैं एंड रास्ते में कुछ शॉर्ट्स ले लेंगे, पानी पुनी आया है। लेट्स गो, चलते हैं। अभी हम वापस जा रहे हैं सेइंग बाय टू दिस प्लेस अगेन, दैट सेम लाइन आई सेड इन लास्ट व्लॉग्स, सॉरी फॉर दैट, बाय बाय। तो ऊपर से बारिश भी हो रही है, तो ऐसा ना हो कि फ़ोन या कैमरा मतलब फ़ोन ख़राब हो जाए। सो ये जो व्लॉग है मैं यहीं पेंड करने वाला हूँ। सो इफ़ यू लाइक दी व्लॉग वही अपना, प्लीज़ हेल्प मी टू ग्रो, सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।